हर हर महादेव। मकर संक्रांति की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो थोड़ा सा हटके और वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ ब्रेकिंग कंट्रोल ऑफ डोमिनार 400। तो जो हम ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे वो करेंगे 60-0, 100-0, 150-0। मैं तो हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि बाइक उतनी स्पीड पे चलाओ जितनी कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आए कि आप कंट्रोल कर लोगे, बिकॉज ये चीज़ तो हर कोई कर लेता है, बट जब कंट्रोल की बारी आती है ना, अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस राइडर भी इस चीज़ पे मात खा जाते हैं, क्योंकि अगर आप जो रिकमेंडेड स्पीड रहती है उससे अगर आप 120, 140, 150 स्पीड पे चला रहे हैं, कंट्रोल तो नॉर्मली हो जाएगी, बट अगर कोई अलर्ट नहीं होगा तो उस टाइम पे जो पैनिक ब्रेकिंग रहती है, सम बाइक्स में अभी भी ABS आ रहा है और सम बाइक्स में अभी भी ABS नहीं आ रहा है। जितने भी लोग ABS ब्रेक्स वगैरह यूज कर रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पैनिक ब्रेकिंग अगर वो कर भी रहे हैं तो ABS जो है वो अपना काम कर देगा। एंड हमारी डोमिनार 400 में भी ABS आता है। ये रही हमारी नगीनी, हमारी डोमिनार 400। एंड आज से हम लोग जो है वो ग्लव्स पहनना भी स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी हमको दिक्कतें आएंगी, बट एक दो दिन के अंदर हम लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की राइड। हेलमेट के अंदर जो माइक लगाया हुआ है ना, उसके अंदर एक ना ब्लैक कलर का हमारा नॉइस कैंसिलेशन के लिए प्रोटेक्टर रहता है, वो पता नहीं कहीं गिर गया, तो इस माइक में तुमको थोड़ा विंड का नॉइज आएगा, थोड़ी देर के लिए बेयर कर लेना। पहला पार्ट करते हैं 60-0 ब्रेकिंग का, और 60-0 में हम लोग क्लच प्रेस करके फुल ब्रेक करेंगे एंड रियर वाली ब्रेक जो है उस पे रखेंगे, फ्रंट वाली ब्रेक हम लोग बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ये 60 पे जाएगी इसको रोक देंगे हम लोग, पीछे हमारी कोई भी गाड़ी है नहीं। ये देखिए गाइस, ये है इसकी रियर ब्रेक, ठीक है। ये रियर ब्रेक का फुल कंट्रोल है और ABS आपको प्रॉपर तरीके से फील भी होगा जिस टाइम पे ये रुकती है। आप पूरी ब्रेक प्रेस कर दो एकदम से, टायर आपका स्किड नहीं करेगा, ब्रेक अपने आप छोड़ेगी, बट बहुत ही ज्यादा लेट ब्रेकिंग होती है। नेशनल हाईवे ये सब चीजें चेक करने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, बट हम प्रॉपर पीछे ध्यान रख रहे हैं और ये मतलब घर का ही रोड है, डेली दिन में 3-4-5-6 बार आना जाना होता है, तो हमें पता है कहाँ पे क्रॉसिंग है, कहाँ पे कुछ आ सकता है, कहाँ पे नहीं आ सकता है, यहाँ पे बीच में डिवाइडर वगैरह भी है। बस एक ही चीज का मेन ध्यान रखना है कि पीछे कोई भी गाड़ी आ नहीं रही हो। तो अब हम लोग टेस्ट करेंगे 60-0 क्लच प्रेस करके सिर्फ और सिर्फ फ्रंट ब्रेक से, ठीक है। ये रियर वाला मैंने पांव आगे रख लिया, ठीक है। ये नॉर्मल ब्रेकिंग है, एकदम प्यार से ना। हार्ड ब्रेकिंग भी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा हार्ड ब्रेकिंग कैसे होती है, वो तो पांव पे रुक जाएगी एकदम। 60-0 का पार्ट थर्ड और ये हार्ड ब्रेकिंग रहेगी, दोनों की दोनों ब्रेक प्रेस करेंगे, क्लच प्रेस करेंगे और पांव पे रोक देंगे। ये नॉर्मल ब्रेकिंग है, कोई पैनिक ब्रेकिंग नहीं है, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ आपको बता रहा हूँ, तो मुझे पता है मैंने ब्रेक करनी करनी है। दिक्कत किस टाइम पे आती है, जब पैनिक ब्रेकिंग होती है, मतलब आप लोग यहाँ कहीं देख रहे हो एकदम से आगे कुछ आगे, उस टाइम पे आप ऐसे प्रेस कर देते हो ब्रेक, वो वाली दिक्कत होती है। जब भी आप किसी भी साइड जाएं, काइंडली यूज इंडिकेटर्स, सो दैट जो आपके आगे वाली गाड़ी भी है उनको भी पता चल सके कि आप कहाँ जा रहे हैं, और जो आपके पीछे वाली गाड़ी है उनको भी पता चल सके कि आपने किस साइड काटना है। तो चलिए अब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं 100-0 और रियर ब्रेक के साथ। क्लच प्रेस मैंने करके रखा हुआ है, बिलीव मी मैंने पूरी रियर ब्रेक दबाई हुई है जितनी प्रेस कर सकता हूँ, अब जाके रुकी है। देखो कितना, आई थिंक 20 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस लिया होगा। 100-0 का पार्ट टू कर लेते हैं हमारी फ्रंट वाली ब्रेक के साथ, ठीक है। रियर वाली बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ये देखो फ्रंट वाली, तभी तो मैं कहता हूँ कि हद से ज्यादा रिलायबल है। उसने अगर 20 लिया होगा ना, तो इसने 8 मीटर का डिस्टेंस लिया होगा सिर्फ। अगेन रिपीट कर दूं कि मैं हार्ड ब्रेकिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। हम लोग जिस हिसाब से अपनी डेली रूटीन में राइड करते टाइम जब कभी भी स्पीड पे चलाते हैं, तो इंजन ब्रेकिंग का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लच का इस्तेमाल बहुत कम रहता है ब्रेकिंग के टाइम पे, जब तक वो 20-30 के नीचे नहीं आती है। गियर्स पे बाइक कंट्रोल करते हैं, रियर वाली जो ब्रेक्स है वो भी यूज करते हैं और फ्रंट वाली भी करते हैं, ठीक है। बॉडी वेट भी रहता है, वो अलग चीज है। सो 100-0 का पार्ट थर्ड, इसमें हम लोग क्लच जो है वो 50-60 पे प्रेस करेंगे एंड जो हमारी ब्रेक्स हैं ये दोनों की दोनों प्रेस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब हम चेक करेंगे 150-0 रियर ब्रेक के साथ, क्लच अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। पीछे कोई गाड़ी तो आ रही है, वैसे गाड़ी थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आगे कोई भी गाड़ी नहीं, आगे सब गाड़ियाँ चलेंगी इस रूट पे। वैसे भी जितनी भी गाड़ियाँ जाती है ना, सब 100 प्लस पे ही जाती है, तो दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ से 150 पे जाऊँगा तो वो 100 पे 1 किलोमीटर प्लस का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लेंगी। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ बट गाड़ियाँ ना ख़त्म नहीं हो रही है, मतलब ट्रैफिक आज कुछ ज़्यादा ही है। इट माइट बी कि जो डे है कुछ फेस्टिवल का डे है, 2-3 फेस्टिवल साथ में चल रहे हैं, तो लोगों का जो आना जाना है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो जम्मू कठुआ की बस, और लोग बोलते हैं कि इसको 80 की स्पीड के पार नहीं जाने देना, ये 120 प्लस गई है इस टाइम पे, और 120 प्लस गई है दैट मीन्स इसके अंदर ना 50 से 60 लोग होंगे, और ये चीज़ ये लोग सुधरते नहीं है।
अब कई ज्ञानी पुरुष ये ज्ञान भी दे सकते हैं कि खुद तो तू 100 और 0 और 150 की बातें कर रहा है, और अगर कोई बस वाला ऐसे चला रहा है तो क्या दिक्कत है बॉस। अगर मेरे पीछे कोई पिलियन राइडर भी बैठा हुआ है मैं तब भी 100 क्रॉस नहीं करता। बस वाले 50-50 100-100 लोग लेके जा रहे होते हैं, 100 प्लस की स्पीड पे चलाते हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं इस चक्कर में ना, कितने सारे एक्सीडेंट हुए हैं, एक दो भी नहीं हुए हैं। तो ओवरलोडिंग भी रहती है, हाई स्पीड भी रहती है, और अपने साथ साथ और किसी को लेके क्यों जाना। अक्षय मैं सोच रहा हूँ GPS स्पीडोमीटर लेके यहाँ पे बैठ जाता हूँ ऐसे करके ना, बस वालों के लिए खासकर। भाई साहब गाड़ियाँ आज खत्म ही नहीं हो रही हैं, मतलब चली जा रहे हैं, कैसे टेस्टिंग होगी मेरी। ये देखो भाई साहब हमारे इंडिकेटर, कितने अच्छा आदमी था किया वाला, ऊपर से कठुआ नंबर की गाड़ी थी। इंडिकेटर देखे लेन चेंज करी है, हल्की सी ऐसे लेन चेंज करी है इंडिकेटर दिया यार। सीधा एक काम करते हैं 150 टू 0 ना दोनों ब्रेक्स एक साथ प्रेस करके देख लेते हैं, बाकी पार्ट्स यहाँ पे मुझे आज सेफ नहीं लग रहा है, फिर किसी दिन कर लेंगे। बस यही एक बाइक वाले हैं और पीछे वाले एक और आ रहे हैं, इतने में हम लोग ये सब चीज़ें टेस्ट कर लेंगे। एक तो हमारा नॉइज़ कैंसिलेशन वाला भी वो गिर गया हुआ है, पता नहीं कितनी ज़्यादा विंड नॉइस आ रही होगी। बजाज को ना डोमिनार 400 के रियर वाली ब्रेक पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसकी अगर रियर वाली ब्रेक भी अच्छे से परफॉर्म करेगी ना, बिलीव मी इसकी ब्रेकिंग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। ये जो हमने ब्रेकिंग टेस्ट किया है 150-0 का, इसमें हमने ओवरटेकिंग लेन में राइट साइड पे जो इंस्टेंट ब्रेकिंग रहती है वो करी है, दोनों की दोनों ब्रेक्स प्रेस करके। हमारा क्लच जैसे 60 की स्पीड पे आया था उस टाइम पे हमने क्लच प्रेस किया था, एंड रियर में बैक साइड पे हमने प्रॉपर ध्यान रखा था कि मेरे पीछे कोई भी गाड़ी ना आ रही हो, बिकॉज अगर ऐसे वाले चांसेस पे ना पीछे से आपका इंपैक्ट हो जाएगा, कोई भी गाड़ी आ रही होगी आप एकदम से रोड के बीच में अगर ब्रेक लगा देते हो तो आपका एक्सीडेंट जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे वाले इंसिडेंट होने के चांसेस होते हैं, समटाइम्स ये चीजें भी आ जाती हैं, तो उस टाइम पे आपको बस एक ही चीज करनी है, आपको अलर्ट रहना है। ये जो आप मिरर्स रहते हैं, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं चाहे आप बाइक पे बैठे हैं, जिन लोगों ने भी अपनी बाइक्स में या फिर स्कूटी में या फिर कार में मिरर्स वगैरह जो यूज नहीं करते, प्लीज उनका यूज किया कीजिए, क्योंकि किसी भी टाइम पे ये हालात आ जाएंगे, आगे कोई गाड़ी आएगी इंस्टेंट ब्रेकिंग करोगे पीछे वाला टोक देगा, तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है। ग्लव्स पहन के बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, हाथ हमारा लगभग लगभग बैठ गया हुआ है, और सबसे अच्छी बात यह है कि लग रही है। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आपसे, टेक केयर, अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।